तो वेलकम बैक टू साबजी गॉड फॉर्म। और आज का टॉपिक पुराना लेकर आए हैं, जो कि बताया गया था बकरी हमारी एक हीट पर आई थी और उसे हमने क्रॉस नहीं करवाया था क्योंकि उसके ब्लीडिंग हो रही थी ओवर हीटिंग की वजह से। तो इसी का टॉपिक लेकर के तो यही टॉपिक लेकर के हम आए हैं कि ब्लीडिंग हो रही थी उसके, तो आगे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं बकरी के पास। अभी टाइम हुआ है 11 बजे, तो कहाँ हैं देखते हैं, कहाँ हैं। तो ये हमारी बकरी 6 मार्च को हमने इसका ट्रीटमेंट करा था, मुझे कंफर्म याद नहीं है 6 ही मार्च थी या क्या थी। तो 2 दिन के अंदर ये हीट पर आ गई थी बकरी, तो हमने इस बकरी को क्रॉस नहीं करवाया था और बकरा हमारा एग्रेसिव भी नहीं हो रहा था। तो ये बकरी हमने 6 मार्च को क्रॉस नहीं करवाई थी और अब आप देख सकते हैं बकरी काफी ज्यादा एग्रेसिव है ब्रीडर के साथ में और रेडी है बकरी। पहले ये नहीं मान रही थी, मैंने आपको कम्प्लीटली वीडियो में दिखाया था छोड़ के भी बकरी नहीं मान रही थी। हालांकि इसका डिस्चार्ज नहीं आ रहा इतना और बिल्कुल ही मतलब कोई सिम्टम लग ही नहीं रहा, इसका कोई डिस्चार्ज है नहीं। हाँ पेशाब इसने जरूर करा है, तो पेशाब में हमें डिस्चार्ज देखने को मिला होगा, लेकिन एक सिम्टम मैंने आपको बताया है जो कि बकरी अगर पूंछ हिलाती है तो हीट के लक्षण है। चलिए थोड़ा मैं आपको, ये बकरी बकरा समझ चुका है बकरी हीट पर है और बकरी सिम्टम दे रही है पूंछ हिलाने का, बकरी सिम्टम दे रही है। तो बकरा पागल हो गया, तखत ना लगाया करो पहले इसके गिरने के, वो होते हैं या तो तखत दीवार से चिपका के लगाया करो। तो चलिए अब हम इस बकरी को देखिए किस तरह से मतलब फुल हीट पे है और नेचुरल हीट ये भी है। आप ये समझिए ये इंजेक्शन का कमाल है, जो हमने उस टाइम पे इंजेक्शन लगाया था उस टाइम पे थोड़ा सा ओवर हीटिंग की वजह से इसके ब्लीडिंग हो गई और वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब ये नेचुरल हीट पे है तो अब इसको क्रॉस भी करवा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो में इसको क्रॉसिंग करवाते हैं। तो बकरी को अभी हम क्रॉस करवा देते हैं और एक बार मॉर्निंग में करवा देंगे। तो चलिए अब थोड़ी बकरी मस्त आ रही है, तो बकरा खोल दो और बकरे की चेन पकड़ लो। तो बकरी हो गई और बकरी ने मेला डाल दिया। अब बांध दो, बांध दो, यहीं से बांध दो। डिटेल्स दे दी, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी बकरी को इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं उनको बता दूं अगर इन्फेक्शन हो गया होता तो अब भी ब्लीडिंग आ रही होनी चाहिए थी, और इन्फेक्शन नहीं हुआ है इसका रिजल्ट मैं आपको कुछ दिन के अंदर दे दूंगा, बकरी कंसीव कर लेगी उसके बाद में, ठीक है। तो आज की वीडियो ये इतनी थी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्लिक करें बेल आइकन। थैंक यू।